ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे कृष्ण आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम 26वें वर्ष से आगे बढ़ते हैं तो द्वीपों का वर्णन चल रहा है जो आपने जम्बू द्वीप है उसके विचारों और द्वीप बढ़ते 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 ऐसे चल रहे हैं। जो द्वीप आ रहा है वो पहले वाले से
दुगने डायमेंशंस का है, उसके आयाम पहले से दुगने हैं। मेरे साथ पढ़िएगा, एतेषां एतेषां वर्ष मर्यादा वर्ष गिरयो मर्यादा गिरयो 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 नद्यः च नद्यश्च सप्तसप्तैव सप्तसप्तैव ईशान ईशान पुरुषंगो पुरुषंगो बलभद्रः बलभद्रः सत्केसरः शतकेसरः सहस्रस्रोतो सहस्रस्रोतो देवपालो देवपालो महानस इति महानसीति अनघा आयुर्दा अनघायुर्दा उभयस्पृष्टिः उभयस्पृष्टिः अपराजिता अपराजिता पंचपदी पञ्चपदी पंचपदी सहस्रश्रुतिः सहस्रश्रुतिः निजधृतिः निजधृतिः इति इति हरे शब्दार्थ कृष्ण है एतेषां इन समस्त विभागों की वर्ष मर्यादा सीमा रेखा के रूप में गिरयः बड़ी बड़ी पहाड़ियां नद्यः च तथा नदियां भी सप्त सात एवं निसंदेह ईशान ईशान उरुसंग उरुसंग बलभद्र बलभद्र सत्केसर सत्केसर सहस्रसोत सहस्रसोत देवपाल देवपाल महानसा महानस इति इस प्रकार अनघा अनघा आयुर्दा आयुर्दा उभयस्पृष्टि उभयस्पृष्टि अपराजिता अपराजिता पंचवती पंचवती सहस्रश्रुति निजधृति निजधृति इति इस प्रकार। मेरे साथ पढ़िए, इन द्वीपों इन में भी द्वीपों में द्वीपों में भी भी सात मर्यादा पर्वत सात सात मर्यादा पर्वत पर्वत तथा सात ही नदियां हैं तथा सात तथा नदियां सात हैं ही सात ही नदियां हैं नदियां जिस वर्ष का वर्णन चल रहा है, क्योंकि प्रियव्रत हैं के जो पुत्र हैं उनके सात पुत्र हैं, इसलिए वो बांटेंगे साथ में, तो एक एक पर्वत एक नदी एक के पास जाते हैं। पर्वतों के नाम पर्वतों पर्वतों के के नाम नाम ईशान 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 पुरुषंग ईशान पुरुषंग पुरुषंग बलभद्र 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 सत्केसर सत्केसर शतकेसर सहस्रस्रोत 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 देवपाल देवपाल तथा देवपाल महानस हैं तथा तथा महान से है नदियां तथा तथा नदियां नदियां अनघा 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 आयुर्दा 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 उभयस्पृष्टि 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 अपराजिता 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 पंचपदी 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 सहस्रश्रुति सहस्रश्रुति तथा सहस्रश्रुति निज धृति हैं तथा निज धृति है। सताईसवां। हरे कृष्ण प्रभु जी, पल्लवी माता जी और संदीप प्रभु जी को पोस्ट बना हाँ दीजिए। जी माता जी, तो 27वां वर्ष है। तद वर्ष तद्वर्ष पुरुषा 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 ऋतव्रत ऋतिव्रत सत्यव्रत सत्यव्रत दान व्रत दानव्रत अनुव्रत अनुव्रत नामानो नामानो भगवन्तम भगवन्तम वायु आत्मकम् वायुवत्कम प्राणायाम प्राणायाम विधूत 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 विधूत
रजह तमसः रजह रजस्तमसः तमसः परम समाधिना यजन्ते। परम समाधिना यजन्ते। शब्दा अर्थ है तद वर्ष पुरुषा उस वर्ष के निवासी, ऋत व्रत ऋत व्रत, सत्य व्रत सत्य व्रत, दान व्रत दान व्रत, अनुव्रत अनुव्रत, नामाना, इन चार नाम वाले भगवंतम श्री भगवान किसको मानते हैं? वायु आत्मकम, वायु देवता के रूप में देवता मानते हैं वायु को, लेकिन भगवान को भी जानते हैं कि इनके थ्रू भगवान को प्रणाम किया जाए। प्राणायाम, प्राणायाम द्वारा विद्युत निर्मल बनाया, रजह तमसह रजोगुण तथा तमोगुण परम समाधिना परम समाधि द्वारा यजन्ते उपासना करते हैं। मेरे साथ पढ़िए, उन द्वीपों के वासी भी, उन द्वीपों के द्वीपों के वासी वासी भी भी ऋत व्रत ऋत व्रत सत्य व्रत सत्य सत्य व्रत व्रत दान व्रत दान व्रत तथा अनुव्रत तथा अनुव्रत अनुव्रत इन चार वर्णों में विभक्त हैं। इन इन चार चार वर्णों वर्णों में में विभक्त विभक्त हैं। हाँ हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है। नाम बजाय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के क्या बोलोगे? रीति व्रत सत्य व्रत दान व्रत अनुव्रत। जो जो ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य तथा शूद्र के समान हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य वैश्य तथा के समान शूद्र के हैं, समान है, वे प्राणायाम तथा योग साधते हैं, वे वे प्राणायाम प्राणायाम तथा योग तथा योग साधते हैं, साधते हैं, और समाधि द्वारा और समाधि द्वारा वायु के रूप में वायु रूप में परमेश्वर भगवान की उपासना करते हैं, परमेश्वर भगवान की परमेश्वर भगवान की उपासना करते हैं। अट्ठाईसवां श्लोक आ गया, पहले मैं पढ़ूंगा। अंतः प्रविश्य भूतानि यो विभक्ति आत्मकेतुभिः, अंतर्यामी ईश्वरः साक्षात् पातु नो यद्वसे स्फुटम्। मेरे साथ, अंतः प्रविश्य भूतानि, अंतः प्रविश्य अंतः भूतानि प्रविश्य यो विभर्ति आत्मकेतुभिः, यो यो विभर्ति विभर्ति आत्मकेतुभिः अंतर्यामी ईश्वरः साक्षात् अंतर्यामी ईश्वरः साक्षात् साक्षात् पातु नो यद्वसे स्फुटम्। पातु पातु नो नो यद्वसे यद्वसे स्फुटम्। शब्दार्थ है अंतः प्रविश्य, अंतःकरण में प्रवेश करके भूतानि समस्त प्राणियों का यह जो विभर्ति पालन करता है, आत्मकेतु भी अंतः वायु की क्रियाओं प्राण अपान इत्यादि वायु द्वारा, अंतर्यामी अंतस्तत् परमात्मा ईश्वर परमेश्वर साक्षात साक्षात पालु पालन करे न हमारा यद बसे जिसके बस में स्फुटम विराट जगत। ये इस ऐसे उपासना करते हैं ये बता रहे। हाँ, लिखा लिखा भी है नीचे। शाक द्वीप का वर्णन चल रहा है। शाक द्वीप के निवासी, शाक द्वीप के निवासी वायु रूप में वायु रूप श्री भगवान की उपासना में श्री श्री भगवान भगवान की की उपासना उपासना निम्नलिखित शब्दों से करते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित शब्दों से शब्दों करते से हैं करते हैं। आपको पता लगा होगा, जब शब्दार्थ पढ़ रहा था मैं उसमें बताया था। मेरे साथ पढ़े, हे परम पुरुष, हे परम परम पुरुष पुरुष देह के भीतर परमात्मा रूप में स्थित, देह देह के के भीतर भीतर परमात्मा रूप में परमात्मा स्थित आप विभिन्न वायु तथा यथा विभिन्न प्राण वायु तथा की प्राण विभिन्न की क्रियाओं का विभिन्न संचालन विभिन्न क्रियाओं का संचालन करने वाले, करने वाले प्राणों से जीवों की क्रियाओं का संचालित बिना प्राण के, प्राण आपके कंट्रोल में है मतलब ये, तथा समस्त जीवात्माओं का तथा समस्त पालन जीवात्माओं का करने वाले हैं, पालन पालन करने करने वाले वाले हैं। हैं। हे ईश्वर, हे ईश्वर,
परमात्मा, हे परमात्मा, हे विराट जगत के नियामक, हे विराट जगत के जगत नियामक, के आप सभी प्रकार के संकटों से, आप सभी आप सभी प्रकार के प्रकार संकटों के से, संकटों से हमारी हमारी रक्षा करें, रक्षा रक्षा करें। करें। ये प्रार्थना है शाकिर की। वायु को दवाई देवता की पूजा करते हैं और भगवान का पूरा ध्यान है, ये बात तात्पर्य माता। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। श्री कृष्ण माता जी, श्री कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। योगी जन प्राणायाम नामक योग क्रिया के बल से शरीर के भीतर वायु को रोककर शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इस प्रकार योगी समाधि दशा को प्राप्त होते हैं और अपने हृदय प्रदेश में श्री भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। अपने हृदय प्रदेश में श्री भगवान को अंतर्यामी रूप में देखकर उसमें तल्लीन रहने के लिए समाधि की अवस्था प्राप्त करना आवश्यक है, जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है। हरे कृष्ण प्रभु। ये आपने भगवत गीता में छठे अध्याय में ये हमने पढ़ा था कि समाधि में कैसे आप जाते हैं। समाधि का मतलब होता है आपका भगवान से कांटेक्ट, आप उसमें, तो ये परमात्मा के, परमात्मा तक पहुंचते हैं, ये जो ये ध्यान लगाते हैं, ये इनको कहते हैं ध्यान योगी। तो ध्यान योगी भी कहाँ क्या करते हैं, परमात्मा को अपने हृदय में ले आते हैं। और इस प्रोसेस में आपने देखा कि ये योगी जो है, इनको मिस्टिक योगी भी कहते हैं, इनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पागल हो जाते हैं ये, इसके लिए कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये तपस्या करते हैं। और ज्ञानी जो है वो परमात्मा में लीन होने के लिए, ब्रह्म में। और एक भक्त योगी है जो भगवान से कहता नहीं चाहिए, ले ले नहीं चाहिए, अरे कुछ तो ले ले, कहता कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आपकी सेवा। तो भगवान उसके, ऐसा कोई आपके लिए करे तो आप उसके ऋणी हो जाते हैं ना, तो भगवान भी अपने भक्त के ऋणी होते हैं। ये भक्ति योग इतना बड़ा है। 29वां श्लोक, 29वां वर्ष। एवं एव एवमेव दधिमण्ड उदात परतः, दधिमण्ड उदात परतः पुष्कर द्विपहततो दीपस्ततो द्विगुण आयामः, द्विगुणायामः समन्तत समन्तात् उपकल्पितः, उपकल्पिता समानेन समानेन साधुदकेन स्वादुदकेन समुद्रेण समुद्रेण बहिरावृतो, बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करम् पुष्करम् ज्वलन शिखा, ज्वलनिशिखा अमल कनक कनक पत्र अयुत आयुतम, पत्रायुतो भगवतः भगवतः कमल आसनस्य, कमलासनस्य आध्यासनम अध्याशनम परिकल्पितम। परिकल्पितम शब्दार्थ है एवं एव, इस प्रकार दधि मंड उदात, क्या हुआ, बठे के सागर से, परतः परे, पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप नामक अन्य द्वीप, अब पुष्कर द्वीप आ गया, ततः उस साग द्वीप की अपेक्षा द्विगुण आयाम, जिसका विस्तार दुगुना है, समन्ततः चारों दिशाओं में उपकल्पितः घिरा हुआ, समानेन समान विस्तार वाला, स्वाद उदकेन मधुर जल वाले, समुद्रेण समुद्र से। अब यहाँ जो समुद्र है, जैसे पहले मठे का था, यहाँ
यहाँ मधुर जल वाला अब समुद्र है, वही बाहर से आवृत घिरा हुआ यश्म जिसमें बृहत विशाल पुष्करम कमल पुष्प ज्वलन शिखा प्रज्वलित अग्नि की ज्वालाओं सदृश अमल निर्मल कनक स्वर्ण पत्र पत्तियां अयुत अयुतम लाखों अथवा 10 करोड़। भगवतः अत्यंत शक्तिमान कमल आसनस्य ब्रह्मा का जिनका आसन कमल है अध्यासनम आसन, ये शायद ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, परिकल्पितम माना जाता है। मेरे साथ पढ़िए, नदी के समुद्र के बाहर, दही के समुद्र के समुद्र बाहर के बाहर पुष्कर नाम का एक अन्य द्वीप है, उसका पुष्कर नाम नाम का का एक एक अन्य अन्य द्वीप द्वीप है जो इस समुद्र से दुगनी चौड़ाई वाला जो इस जो इस समुद्र समुद्र चौड़ाई के वाला दुगनी चौड़ाई वाला चौड़ाई आला अर्थात 64 लाख अर्थात योजन, अर्थात अर्थात 64 लाख योजन हाँ ये मील में गलतियां हैं जिसको छोड़ रहा हूं मैं, है 64 लाख योजन है। 64 लाख योजन है यह द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले ये अपने अपने ही समान चौड़ाई समान वाले चौड़ाई वाले मधुर जल के सागर से घिरा हुआ है, मधुर जल के सागर से घिरा सागर हुआ है, से घिरा हुआ है। पुष्कर पुष्कर द्वीप में अग्नि की ज्वालाओं के समान द्वीप कोटेश्वर में द्वीप अग्नि की ज्वालाओं अग्नि के की ज्वालाओं समान के समान ये दीप्यमान दीप्यमान 10 करोड़ स्वर्णिम पंखुड़ियों वाला 10 करोड़ पंखुड़ियों वाला विशाल कमल का पुष्प है, विशाल विशाल कमल का कमल पुष्प का पुष्प है जो सर्वशक्तिमान जो सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान तथा इसी कारण तथा इस इसी इसी कारण कभी कभी भगवान कहलाने वाले ब्रह्मा कभी-कभी भगवान का कहलाने वाले आसन माना जाता है, ब्रह्मा का ब्रह्मा का आसन माना जाता है। आसन। वाह, ये तो बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। ब्रह्मा जी का आसन स्वर्णिम पंखुड़ियों वाला विशाल कमल का पुष्प है इस पुष्कर द्वीप में। अब इसी की बात आएगी, तदद्वीप मध्ये तद्द्वीप मध्ये मानसोत्तरनामैक मानसोत्तरनामैक एक अर्वाचीन पराचीन अर्वाचीन वर्षयो पराचीन वर्षयो मर्यादा अचलो मर्यादा मर्यादा चलो चलो अयुत योजन उच्छ्राया अयुत आयामो उच्छ्राया आयामो आयामो यत्र तु यत्र तु तद सुषु चतुषु चतुर्षु दिक्षु दिक्षु चत्वारि पुराणि चतुर्वारि पुराणि लोकपालानां 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 इंद्रादीनां इंद्रादीनां यद उपरिष्ट यद उपरिष्टात् नहीं यद उपरिष्टात् जात यद उपरिष्टात् उपरिष्टात् सूर्य रथस्य सूर्यरथस्य मेरुं मेरुं परिभ्रमतः परिभ्रमतः संवत्सर आत्मकम् संवत्सरात्मकम् चक्रम् चक्रम् देवानां देवानां अहोरात्राभ्याम् अहोरात्राभ्याम् परिभ्रमति परिभ्रमति। परिभ्रमति हरे कृष्ण शब्दार्थ है तद्वीप मध्य, उस द्वीप के मध्य में, किसके पुष्कर द्वीप के मानसोत्तर नाम नामक एक निसंदेह अर्वाचीन इस ओर पराचीन उस ओर वर्षों भूभागों के मर्यादा सीमा सूचक अचला पर्वत अयुत 10,000 योजन यानी
आठ मील तुल्य दूरी, 8 मील नहीं तो गलत है, 10,000 योजन, योजन, सॉरी, योजन का अर्थ बताया, 8 मील तुल्य। उच्चाय आयामः, जिसकी ऊंचाई तथा चौड़ाई, यत्र जहां, तु लेकिन, चतुष्षु चारों चारों दिक्षु दिशाओं में, चत्वारि चार पुराणी नगर, लोकपाला नाम लोकों के पालकों का, इंद्र आदि नाम इंद्र आदि, यत जिसका, उपरिष्टात ऊपर, सूर्य रथस्य सूर्यदेव के रथ का, मेरु मेरु पर्वत, परिभ्रमतः परिक्रमा करते हुए, संवत्सर आत्मकम एक संवत्सर वाला, चक्रम चक्र देवानाम देवताओं का, अह रात्राभ्याम दिन तथा रात्रि से, परिभ्रमत चक्कर लगाता है। मेरे साथ पढ़िएगा, उस द्वीप के बीचों बीच, उस उस द्वीप के बीचों द्वीप के बीच, बीचों बीच, भीतरी तथा बाहरी ओर की सीमा बनाने वाला, भीतरी तथा बाहरी ओर की सीमा बाहरी ओर की सीमा बनाने बनाने वाला मानसोत्तर नाम का, नाम का एक पर्वत है। एक पर्वत है। यह 10,000 योजन, योजन यानी 80,000 मील ऊंचा ऊंचा, है, यानी 80,000 मील ऊंचा, और इतना ही चौड़ा है, इतना ही चौड़ा ये पुष्कर द्वीप में है। इसके ऊपर, है। इसके इसके ऊपर ऊपर चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की पुरिया हैं। इंद्र आदि इंद्र लोकपालों आदि की लोकपालों पुरिया की है, पुड़िया है। हाँ, उनके मतलब बस नगर है ऐसा, पुरिया। सूर्यदेव सूर्यदेव अपने अपने रथ में आरूढ़ होकर, रथ में आरूढ़ होकर इस पर्वत के ऊपर, इस पर्वत के ऊपर संवत्सर नामक परिधि में, संवत्सर नामक परिधि में, जो मेरु पर्वत का चक्कर लगाती है, जो मेरु जो मेरु पर्वत पर्वत का का चक्कर चक्कर लगाती लगाती है, है, यात्रा करते हैं, यात्रा करते यात्रा हैं, करते हैं, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में सूर्य सूर्य का पथ उत्तरायण, का पथ उत्तरायण, और दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा दक्षिण में दक्षिणायन कहलाता है। दक्षिणायन कहलाता है। देवताओं देवताओं के लिए, के लिए एक दिशा में दिन होता है, एक दिशा में दिन एक होता है, और दूसरी में रात्रि। और तो दूसरी में दूसरी में रात्रि। रात्रि। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्णा अत्रे माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा सूर्यों की गति की पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.52 से भी होती है। जस्य गया प्रभति समृत काल चक्र। सूर्य 6 मास तक सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और 6 मास तक दक्षिण दिशा में चक्कर लगाता है। उच्चतर ग्रह मंडल के देवताओं के दिन रात्रि की यही अवधिया है। हरे कृष्ण। उनके लिए ऊपर में दिन, नीचे में रात। तद्द्वीपस्य अपि अधिपति ही, तद्द्वीपस्यापि अधिपतिः प्रायव्रतो, प्रायव्रतो वीतिहोत्रो उनका पुत्र आ गया, वीति होत्रो, भीतिहोत्र पुत्र था ना उनका, नाम एतस्य नामेतस्य आत्मजौ, आत्मजौ यानी पुत्र हो गए ना, आत्मजौ, रमणक धातकी, रमणक धातकी नामानौ, दो ही पुत्र हैं, रमणक और धातकी, और के पीछे पीछे हमने पढ़ा, सबके सात सात पुत्रों में बांटा था, यहाँ दो हैं, वर्षपति, वर्षपति नियोज्यस, नियोज्यस स्वयं पूर्वजवत, स्वयं पूर्व क्या जब हुआ, पूर्वजवत जैसे
पहले भाइयों ने किया, पूर्व पूर्वज वत पहले बता। वालों का जैसा, पहले भाइयों ने बांटा तो इसने भी वैसे ही किया। भगवत कर्मशील भगवत कर्मशील ए वास्ते, वास्ते। हाँ, बांट करके भगवान की भक्ति में लीन हो गए, जो और उन्हें किया था वही किया करके ये लिखा। शब्दार्थ है तद द्वीपस्य, उस द्वीप का अपि भी अधिपति ही राजा प्रियव्रत, महाराज प्रियव्रत का पुत्र वीतिहोत्र नाम, वीतिहोत्र नामक एतस्य, उसके आत्मजो अपने दो पुत्रों को रमणक, रमणक धातकी तथा धातकी नामानो नाम वाले वर्षपति, दोनों वर्षों के स्वामी मतलब वर्ष वर्ष के स्वामी बने, नियोज्य नियुक्त करके स्वयं वह स्वयं पूर्ववत अपने अन्य भाइयों के समान भगवत कर्मशील, भगवान को प्रसन्न करने में लीन एवं निसंदेह आस्ते लगा रहता है। अब भगवान की भक्ति में लग गया इनको बांट करके दो को। यहाँ फर्क है पहले सात यहाँ दो में। मेरे साथ पढ़िए, इस द्वीप का अधिपति महाराज, इस द्वीप का अधिपति महाराज प्रियव्रत का पुत्र, प्रियव्रत का पुत्र वीतिहोत्र था, वीतिहोत्र था जिसके रमणक तथा जिसके रमणक तथा धातकी नामक दो पुत्र हुए, नामक दो पुत्र हुए, उसने इन दोनों पुत्रों को इस द्वीप के दोनों छोर दे दिए, दोनों छोर का मतलब एक को इस तरफ एक को इस तरफ, और स्वयं अपने अग्रज और स्वयं अपने अग्रज मेधातिथि के समान, मेधातिथि के समान श्री भगवान की सेवा में, श्री भगवान की सेवा में तत्पर रहने लगा, तत्पर रहने लगा। 32वां वर्ष है, तद्वर्ष पुरुषा, तद्वर्ष पुरुषा भगवन्तं, भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं, ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण, सकर्मकेण कर्मणा, कर्मणा आधायन्ति इदं, आधायन्ति इदं, आधायन्ति इदं च उदाहरन्ति, च उदाहरन्ति। उदाहरन्ति का मतलब जप करना, जप करता। तद वर्ष पुरुषा, उस देव के वासी भगवंत श्री भगवान ब्रह्म रूपेणम कमल आसीन, भगवान ब्रह्मा के रूप में, स कर्मणे कर्म के भौतिक कामनाओं की पूर्ति हेतु कर्मणा वेद विहित अनुष्ठान करके आराधयंती आराधना करते हैं, इदम यह च तथा उदाहरण जप करते हैं। इस द्वीप के वासी, इस द्वीप के वासी, अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा के रूप में श्री भगवान की आराधना करते हैं, श्री भगवान की आराधना करते हैं, वे इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं, वे इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हाँ, ये अच्छा है क्योंकि ब्रह्मा तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन उसको भगवान मानना बहुत गलत है। ये भगवान नहीं मानते किसी को भी, किसी भी देवता को। ये जितना हमने पढ़ा अभी, ये अलग अलग देवताओं की आराधना करते हैं, लेकिन ये भगवान के लिए करते हैं आराधना, भगवान उनके थ्रू। ये जैसे ब्रह्मा जी को कहते हैं अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी जब कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान हमारा हमको कष्टों से दूर करें, पहले कहते हैं भगवान के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा है ये गलत नहीं है कि अगर आप किसी देवता के थ्रू भगवान की पूजा करते हैं, बहुत अच्छा।
यत्तत्कर्ममयं लिंगं ब्रह्मलिंगं जनो अर्चयेत् एकांतम् अद्वयम् शांतम् तस्मै भगवते नमः इति इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ पढ़ेगा यत्तत्कर्ममयं लिंगं यत्कर्ममयं लिंगं ब्रह्मलिंगं जनो अर्चयेत् ब्रह्मलिंगं जनो अर्चयेत् एकांतम् अद्वयम् शांतम् एकांतमद्वयं शांतम् तस्मै भगवते नमः इति तस्मै भगवते नमः। शब्दार्थ है यत् जो तत् वह कर्ममयम् वैदिक सूक्तियों के द्वारा प्राप्त लिंगम स्वरूप को ब्रह्मलिंगम जिसे पर ब्रह्म जाने जाते हैं जन व्यक्ति अर्चय अर्चना करनी चाहिए। एकांतम एक परम ब्रह्म में पूर्ण आस्था रखने वाला अद्वयम अभिन्न शांतम शांत तस्मय उन भगवते सर्वशक्तिमान को नमः नमस्कार है इति इस प्रकार। देखे आपने जितने भी द्वीप देखे सब द्वीप में पूजा होती है भगवान के लिए। सब आराधना करते हैं, कोई इस देवता के थ्रो, कोई इस देवता के थ्रो, कोई इस देवता के थ्रो, सब जगह। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि भगवान की आराधना करता ही नहीं हो कोई, कहीं भी नहीं। तो ये भागवत में बड़ा अच्छा एक शिक्षा हमको मिलती है कि भगवान की आराधना पहले से होती आई है, करनी चाहिए हमको। कितने भी आप ये समाज बदले, कितना भी कुछ करे, ये हमको नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भगवान के साथ हमको जोड़ता है, क्योंकि वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए ही नहीं, हमारे जीवन के लिए जरूरी है। आप भौतिक जीवन में भी रहते हैं तो भी भगवान के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कब मौका मिले पता नहीं। मेरे साथ पढ़ेगा भगवान ब्रह्मा कर्ममय कहलाते हैं भगवान भगवान ब्रह्मा क्योंकि क्योंकि अनुष्ठानों को करके कोई अनुष्ठानों भी उनका पद प्राप्त कर सकता है, कोई भी उनका पद प्राप्त कर सकता है। ये ब्रह्मा जी में 78% गुण होते हैं भगवान के। जीव हैं ब्रह्मा जीव, ब्रह्मा जी जीव हैं जैसे आप हैं। आप ब्रह्मा जी के कोई भी जीव भगवान के 78% गुण प्राप्त कर सकता है, तपस्या करके कुछ भी करके, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। जीव जो है ये अंतिम है, 78% विष्णु विष्णु के गुण 78% तक आप कर सकते हैं कोई, इसलिए वह कर्ममय है। आप अगर ऐसा करें तो आप उस लायक बन जाते हैं, ये मतलब है। और उन्हीं से और उन्हीं से वैदिक अनुष्ठान वैदिक अनुष्ठान यानी स्तुतियां प्रकट होती हैं, स्तुतियां प्रकट होती हैं वे अभिचल भाव से श्री भगवान श्री भगवान की भक्ति करते हैं, की भक्ति करते अतः एक प्रकार से वे भगवान से अभिन्न है। अतः एक प्रकार से वे भगवान से अभिन्न है, फिर भी उनकी उपासना फिर भी उनकी उपासना एकांतिक भाव से न करके, एकांतिक भाव से न करके द्वैत भाव से करनी चाहिए। द्वैत भाव से करनी चाहिए। हाँ समझ गए ना आप, एकांतिक भाव से नहीं, ब्रह्मा ही भगवान है ये करके नहीं, द्वैत भाव से कि ब्रह्मा जी हैं पूजा कर रहे हैं लेकिन भगवान है ऊपर, ये द्वैत भाव से करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि अपने को दास मानते हुए अपने को दास मानते हुए पर ब्रह्म को ही परम परम आराध्य माने, माने। अतः हम भगवान ब्रह्मा को अतः हम भगवान ब्रह्मा को
साक्षात वेद ज्ञान के रूप में नमस्कार करते हैं। साक्षात वेद ज्ञान के रूप में नमस्कार करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि ब्रह्मा जी हैं ही ये साक्षात वेद ज्ञान है, क्योंकि वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया। तो वेदों का ज्ञान इस ब्रह्मांड में सबसे पहले ब्रह्मा जी को मिला, अब ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान नारद को दिया। तो ये चीज, ऐसे ब्रह्मा इतने महान हैं ब्रह्मा जी के, तो ये पुष्कर द्वीप के लोग कम से कम एक द्वीप आया जो ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के, तात्पर्य है इसमें। हाँ माता जी, तात्पर्य। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा इस लोक में आगत क्रम क्रममयम शब्द महत्वपूर्ण है। वेदों का वचन है स्वधर्म निष्ठ सत जन्म भी पुमान विरिंचताम एति। जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म के नियमों का कठोरता से पालन करता है उसे ब्रह्मा पद की प्राप्ति होती है। यद्यपि भगवान ब्रह्मा अत्यंत शक्तिमान है। एक मिनट माता जी, इतना भागे बात आपकी आवाज कटी बीच में। जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म के नियमों का कठोरता से पालन करता है उसे ब्रह्मा पद की प्राप्ति होती है। आपने पढ़ा लेकिन वो सुनाई नहीं दिया, अब पढ़िए। यद्यपि से पढ़िए। यद्यपि भगवान ब्रह्मा अत्यंत शक्तिमान है किंतु वे कभी भी अपने को पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान से अभिन्न नहीं मानते, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात है कि वे ईश्वर के शाश्वत दास हैं। चूंकि आध्यात्मिक स्तर पर अभिन्न रूप से श्री भगवान तथा दास एक हैं, इसलिए ब्रह्मा को यहाँ श्री भगवान कहा गया है। भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, किंतु यदि कोई भक्त परम अवस्था से उनकी सेवा करता है तो वैदिक साहित्य का उसे ज्ञान हो जाता है, इसलिए ब्रह्मा को ब्रह्मलिंग कहा गया है, जिससे यह बोध होता है कि उनका संपूर्ण स्वरूप वैदिक ज्ञानमय है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत धीरे से पढ़ा, बहुत धन्यवाद। ये स्वरूप वैदिक ज्ञानमय है ब्रह्मा जी का, ये बात है। लेकिन आध्यात्मिक रूप में एनीवे उसको अभी मैं बात नहीं करता अभी यहाँ। तो ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं, ये बहुत अच्छा है। एक एक ढंग से भगवान का भक्त और भगवान अभिन्न है, इसलिए कहा गया ब्रह्मा जी और भगवान अभिन्न है। और ब्रह्मा जी के लिए भगवान शब्द यूज होता है एक, शिव जी के लिए यूज होता है दो, नारद के लिए यूज होता है तीन, और कभी कभी भगवान का जो अगर महानतम भक्त है उसके लिए भगवान शब्द यूज हुआ तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो गया। भगवान शब्द यूज करने का मतलब है कि उनकी उनके लिए आपकी जो श्रद्धा है इतनी ज्यादा है कि आप ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप इस भौतिक जगत में भी आपने देखा होगा बहुत लोगों की आदत होती है वो भगवान कहते हैं। हाँ भगवान, आपने सुना, हाँ भगवान, आपने हाँ भगवान, ऐसे आदत होती है दूसरों को सम्मान देने के लिए। ये है ऋषि ही उवाच। ऋषि ही उवाच ततः परस्तात्। ततः परस्तात् लोकालोक नाम अचलो। लोकालोक नाम अचलो। लोकालोक यो अंतराले। लोकालोक अंतराले परित उपक्षितः। उपक्षितः उपक्षितः शब्दार्थ है ततः मधुर जल के सागर से परस्तात परे आगे लोकालोक नाम लोकालोक नामक अचल पर्वत लोक अलोकयो अंतराले प्रकाश तथा अंधकार से पूर्ण देशों के मध्य में परितः चारों ओर
उपक्षिप्तः विद्यमान है। इसके पश्चात मृदुल जल वाले सागर के आगे तथा इसको पूरी तरह घेरने वाला लोकालोक नामक पर्वत है, जो देश आप मेरे साथ नहीं पढ़ रहे हैं। इसके पश्चात मृदुल जल वाले सागर के आगे तथा इसको पूरी तरह घेरने वाला लोकालोक नामक पर्वत है, जो देशों को सूर्य से प्रकाशित तथा अप्रकाशित इन दो भागों में विभाजित कर देता है। पर्वत लगेगा तो एक तरफ सूर्य की रोशनी नहीं आएगी, एक तरफ आएगी, इधर आएगी तो उधर नहीं आएगी, ये मतलब है। तो पल्लवी माता जी, मैं आपके लिए देता हूँ इसके बाद। जी जी प्रभु जी। तो आप ले लीजिए जी प्रभु। आपको होस्ट बनाने का जरूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं करती हूँ स्क्रीन शेयर। करिए माता। दिख रहा है माता जी? ठीक से दिख रहा है जी माता जी? उल्टा नहीं ना दिख रहा है? नहीं नहीं सीधा ठीक ठीक। हाँ हाँ ठीक है। तो जैसे शुरुआत हुई थी हमारी कि हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ठीक से समझा पाऊ। हाँ हाँ ठीक है माता जी, चलिए बहुत अच्छा रहेगा, सबको एक बार थी ना ब्रीफ हो जाएगा कि इतना इतने द्वीप, इसके बाद ये द्वीप, इसके बाद ये द्वीप, सब चकरा गए हैं और आप इसको ठीक कर दीजिए। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। जैसे शुरुआत हुई थी कि प्रियव्रत महाराज जो थे तो उन्होंने कैसे सूर्य अपना ही एक जो है रथ बना लिया और जो है उन्होंने भूमंडल के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। सूरज सूर्यदेव अलग जगह और वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चक्कर लगा रहे थे सूर्य सूर्यदेव के पीछे पीछे। तो इसके कारण जो है भूमंडल पर 7 द्वीप और बीच में जो जो जगह थी उसमें समुन्दर, 7 समुन्दर और 2 समुन्दर के बीच जो भूखंड है उसको द्वीप कहा जाता है। और फिर सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे बीच में जो सबसे बीच में है वो सुमेरु पर्वत है और सुमेरु पर्वत के नजदीक वाला जो है वो जम्बू द्वीप है। हमने पिछले 2 अध्याय में जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ा हमने कि ये जो जम्बू द्वीप है यहाँ पर दिख रहा होगा, जम्बू द्वीप में अग्निध्र महाराज सबसे पहले जो है, अग्निध्र महाराज प्रियव्रत महाराज के पुत्र, उनको ये जम्बू द्वीप सौंपा गया और इसमें जो है 9-8 पर्वत और 9 भूखंड पड़े। तो उसको जो है वर्ष कहा जाता है, 2 पर्वतों के बीच की जो जगह है उसको वर्ष कहा जाता है। तो ये जो जम्बूद्वीप के 8 पर्वत और उसके बीच में जो 9 वर्ष है उसको आगे जाकर अग्निध्र महाराज जी ने अपने 9 पुत्रों में बांट दिया। क्यों? क्योंकि जो है पर्वत उससे सीमा रेखा जो है बन गई ताकि ये जो 9 भाई है वो आगे जाकर वो झगड़ा ना करे, तो इसलिए। और फिर उसके नजदीक जो है उसके उसके बाहर जो है वो है सॉल्ट वाटर ओशन यानी खारे पानी का समुद्र है। तो ये जो है जम्बू द्वीप इस ये 1 लाख योजन का है और उतना ही खारे पानी का समुद्र जो है वो भी 1 लाख मिलियन योजन ऐसा उसका जो है डायमेंशन है। और फिर उसके आगे जो दूसरा द्वीप आएगा वो उससे डबल है और उतना ही आगे का समुद्र, उसके आगे का द्वीप आएगा वो उससे उससे भी डबल है और फिर उतना ही वो उसके पास का समुद्र, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमने जम्बू द्वीप के बारे में 2 अध्यायों में पढ़ा था। अभी हम आगे के द्वीपों में जाएंगे। जैसे इस अध्याय में, पिछले 2 अध्याय में सिर्फ जम्बू द्वीप का वर्णन था, इलावृत वर्ष और रम्यक वर्ष, किम पुरुष वर्ष, इन सब में क्या 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 है यही हमने पढ़ा था।
लेकिन ये स्वाध्याय में जो है आगे के जो द्वीप है, द्वीप के बारे में बात कर रही हूँ, जो प्रियव्रत महाराज के सात पुत्रों में सात सात द्वीप बांटे गए, उसमें से एक जम्बू द्वीप हमने देखा, आगे का दूसरा हम देखेंगे। तो आगे का जो है प्लक्षो द्वीप आता है, यहाँ पर कर्सर पर आप नजर रखिए, यहाँ पर बीच में जम्बू द्वीप है, सुमेरु पर्वत है, उसके पास जम्बू द्वीप है, नीले कलर का आपको ये सॉल्ट वाटर ओशन दिख रहा होगा, और फिर ये जो नीला सर्कल है उसके पास जो है वो है प्लक्षद्वीप। प्लक्षद्वीप उससे जो जम्बू द्वीप है उससे डबल है, 2 लाख योजन है, और प्लक्षद्वीप के पास बाहर जो है वहां पर शुगर केन जूस यानी गन्ने के रस का जो है सागर वहां पर है, और वो जो है इद्मजीव जो प्रियव्रत महाराज के जो पुत्र है इद्मजीव उनको दे दिया गया था, और इद्मजीव ने क्या किया बाद में उसके 7 पुत्रों में ये बांट दिया ये प्लक्षद्वीप। क्यों? क्योंकि उसमें 7 पर्वत थे, और इस 7 पर्वतों के कारण जो है 7 वहां पर 7 वर्षा हो गए, जो पर्वतों के बीच की जो भूखंड है उसको वर्ष कहा जाता है, जैसे जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है वैसे प्लक्षद्वीप में 7 वर्ष है, 7 पर्वत और 7 वर्ष। तो जो है इन्होंने इद्मजीव ने अपने 7 पुत्रों को ये बांट दिया, जैसे प्रभु जी ने कल भी कहा था कि बाकी पुत्र शायद वो भक्ति में लगे होंगे, संन्यास धारण किया होगा, तो 7 पुत्रों में बांट दिया। तो जम्बू द्वीप में 8 पर्वत और 9 वर्ष है, और उसके आगे प्लक्षद्वीप में 7 पर्वत और 7 वर्ष है, ऐसे ही 2 से लेकर 6 द्वीप आएंगे लक्षद्वीप से आगे, और 5 द्वीप आएंगे उसमें सेम है। क्या क्या समानता है कि उसमें 7 पर्वत और 7 वर्ष है, तो ये एक जैसा ही आएगा 6ठे द्वीप तक, और फिर उससे आगे जो है तीसरा जो द्वीप है शालमली द्वीप है, तो ये शालमली द्वीप यज्ञ बाहु जो है प्रियव्रत महाराज उनके पुत्र को ये दिया गया था, बाद में यज्ञ बाहु ने क्या किया कि अपने 7 पुत्रों में इसको बांट दिया, यहाँ पर भी सेम 7 पर्वत और 7 द्वीप है। और फिर चौथा जो है कुश द्वीप, ये कुश द्वीप जो है शालमली द्वीप के बाहर जो जो समुन्द्र है उसको लिकर का बताया जाता है, लिकर का ओशन है वहां पर, और फिर उसके आगे जो है कुश द्वीप है, ये जो यहाँ पर एरो आपको दिख रहा होगा ये कुश द्वीप है, और कुश द्वीप जो है वो हिरण्य रेता जो प्रियव्रत महाराज के पुत्र हिरण्य रेता को दिया गया, और हिरण्य रेता ने आगे जाकर यहाँ पर भी सेम 7 पर्वत और 7 वर्षा है, और हिरण्य रेता ने आगे जाकर अपने 7 पुत्रों को बांट दिया। और फिर आगे जो है कुश द्वीप के पास जो है बाहर वो बटर का ओशन है, यानी जो मट्ठे का हमने पढ़ा था वो मट्ठे का समुन्द्र है, और फिर उसके आगे जो है क्रॉंच द्वीप है। क्रॉंच ये एक पक्षी, क्रेन को क्रॉंच कहा जाता है, इस नाम से वो क्रॉंच नाम आता है कि क्रॉंच द्वीप। तो इस क्रॉंच द्वीप में जो है ये घृतपृष्ठा जो प्रियव्रत महाराज के पुत्र थे उनको ये जो है ये द्वीप सौंपा गया था, बाद में इन्होंने क्या किया अपने 7 पुत्रों में इसको बांट दिया। सभी की स्टोरी सेम है कि आगे जाकर उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, और फिर आगे जाकर भक्ति में लगे और अपने 7 पुत्रों में बांट दिया, क्योंकि यहाँ पर भी 7 पर्वत और 7 वर्ष है। और फिर आगे जो है यहाँ क्रॉंच द्वीप के बाहर जो है वो दूत का सागर है, और फिर उसके आगे जो है वो शाक द्वीप है। यहाँ पर शाक द्वीप है, और ये शाक द्वीप जो है प्रियव्रत महाराज के मेधातिथि जो पुत्र थे उनको ये सौंपा गया था, और मेधातिथि ने सेम बाद में उनके 7 पुत्रों को ये जो है 7 वर्ष, यहाँ पर भी सेम 7 पर्वत है 7 वर्ष है, तो उनको 7 पुत्रों को वो सौंप दिया। और फिर सबसे लास्ट में जो है 7वां पुष्कर द्वीप, तो 2 से 6 तक जो है द्वीप उसमें 7 पर्वत और 7 वर्ष है, लेकिन इस अंतिम द्वीप में 7वें द्वीप में जो पुष्कर द्वीप है अभी अभी हमने पढ़ा, ये जो शाक पहले शाक द्वीप पढ़ा उसके बाहर जो है वो योगर्ट का समुन्द्र है, और उसके आगे पुष्कर द्वीप है, और पुष्कर द्वीप के बाद में जो है स्वीट ड्रिंकिंग वाटर का ओशन है, यानी गोड़े पानी का समुद्र है, और ये सबसे अंतिम है। और पुष्कर द्वीप में जो है
पुष्कर द्वीप में अलग है, क्योंकि पुष्कर द्वीप में जो मानसोत्तर पर्वत आता है, ये आपको सर्कल जो दिख रहा होगा ये पर्वतों का ये छोटा अंदर, तो ये मानसोत्तर पर्वत है। ये मानसोत्तर पर्वत के कारण जो है पुष्कर द्वीप के दो भाग पड़े, तो इसीलिए जो है वहां पर विति होत्रा, ये प्रियव्रत महाराज के जो पुत्र है विति होत्रा, इनको पुष्कर द्वीप सौंपा गया था। बाद में मानसोत्तर पर्वत के कारण दो भूभाग हुए उसके, तो विति होत्रा ने अपने दो पुत्रों को वो सौंप दिया बाद में जाकर। तो यहाँ पर जो है अभी हमने पढ़ा कि एक कमल पुष्प है, कितने पंखुड़ी वालों था, शायद मैं भूल गई कितनी पंखुड़ी, 100 मिलियन, 10 करोड़। हाँ, 100 मिलियन जो है कमल के पुष्प वाला, पंखुड़ी वाला कमल का पुष्प है, वहां पर ब्रह्मा जी आसित होते हैं। और यहाँ पर 4 लोकपाल के स्थान है, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, ये 4 लोकपाल के भी स्थान है, ये आगे आएगा लोकपालों के नाम। और फिर यहाँ से ही जो है यहाँ पर संवत्सर नाम की एक कक्षा आती है, इस मानसोत्तर पर्वत जो है इसी के ऊपर जो है सूर्य देव अपना रथ लेकर जो है उस संवत्सर की कक्षा में वो जब एक राउंड पूरा करते हैं सूर्य देव मेरु पर्वत के मेरु पर्वत से शुरू करते हुए, वो उस सर्कुलर जब वो मानसोत्तर पर्वत के ऊपर से जब ये शुरू करते हैं तो उस संवत्सर को 360 डेज लग जाते हैं, तो उस वो जो है हमारे लिए 1 साल बनता है, लेकिन देवी देवताओं के लिए वो जो है 6-6 महीने जो है उनके लिए 1 दिन, और उनके लिए 1 दिन 1 रात ऐसे ही होता है। तो हम भगवद गीता में भी पढ़े हैं कि कैसे देवी देवताओं के लिए वो 1 दिन होता है, जैसे पितृलोक जो है पितृलोक स्वर्गलोक का जो है शुरुआत वो पितृलोक से ही होती है। तो हम जब पितृपक्ष में पितरों को हम देते हैं पिंडदान, तो तब जो है उनके लिए 1 ही दिन का भोजन रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो 1 साल है वो देवी देवताओं के कालगणना में उनके लिए वो 1 दिन है, इस प्रकार 24 घंटे है उनके इस प्रकार। और ये जो सूर्यदेव यहाँ से घूमते हैं, इस संवत्सर कक्षा कहते हैं इसको मानसोत्तर पर्वत के ऊपर, तो उसको मैं दिखाऊंगी वीडियो आगे। और फिर आगे आएगा कि कैसे आगे भी पुष्कर द्वीप के बाहर जो है लोकालोक पर्वत, ये पुष्कर द्वीप के बाहर तो ये ड्रिंकिंग वाटर ओशन है, यानी गोड़े पानी का समुद्र है। और फिर उसके बाहर जो है ये स्वर्ण भूमि दिखेगी, ये सोने की है, ये जो पूरा सर्कल येलो कलर में दिख रहा है ये लैंड ऑफ गोल्ड स्वर्ण भूमि है ये। और उसके बाहर जो है ये लोकालोक पर्वत है। तो ये लोकालोक पर्वत जो है, ये लोकालोक पर्वत की ऊंचाई कितनी है कि लगभग जो ध्रुव तारा है पोल स्टार उसके जितनी इसकी ऊंचाई है। और ये पूरे भूमंडल को ये जो है सभी साइड से ये लोकालोक पर्वत खड़े है, और ये सुवर्ण भूमि के बाद में। तो ये लोकालोक पर्वत में ध्रुव तारा के लगभग उतनी ऊंचाई के होते हैं। तो ये सूर्य जो है, सूर्य का रथ ये पर्वतों के अंदर से ये मानसोत्तर पर्वत पर घूम रहा है सूर्य का रथ, लेकिन लोकालोक पर्वत श्रेणी जो है ये श्रृंखला तो ये इतनी ऊंची है कि इसके कारण जो है इसके बाहर जो है सूर्य का जो है प्रकाश नहीं जाता, सूर्य का प्रकाश भूअर स्वर्ग, इसीलिए गायत्री मंत्र में भी बोला जाता है। और जो है स्वर्ग लोक से ऊपर भी सूर्य का प्रकाश, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक है, यहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, और वहां पर जरूरत भी नहीं क्योंकि वहां पर इतने बड़े बड़े योगी तपस्वी रहते हैं कि वो अपने तेज से ही वहां पर जो है प्रकाश हो जाता है। लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ पर, सूर्यदेव यहाँ घूम रहे हैं मानसोत्तर पर्वत पर, कि ऐसा नहीं कि मानसोत्तर पर्वत पर रास्ता बना है और वो रास्ते पर अपना रथ चला रहे, ऐसा नहीं है। मानसोत्तर पर्वत पर भी थोड़ी ऊंचाई पर जो है आगे कल परसों हम उसकी चर्चा करेंगे कि मानसोत्तर पर्वत से भी ऊपर हवा में जो है वो संवत्सर कक्षा घूमती है, वो जो है धूलिकण से या फिर वायु से बनी हुई वो कक्षा है, तो उस कक्षा में वो घूमते हैं। और उस पर भी 6 ऐसे रास्ते बनते हैं कि थोड़े आगे, और जो सूर्य का एक ही चक्र है सूर्य के रथ को, तो वो जो एक चक्र है वो ऐसे 7
सात बार आगे पीछे ऐसा घूमता रहता है, तो इस कारण जो है हमारे भूमंडल पर जो है अलग छह ऋतुएं जो दिखती है वो उस कारण घटित होती है। आगे के चैप्टर में हम उसको देखेंगे। तो ये सूरज जो है, सूर्य का रथ मानसोत्तर पर्वत पर घूमता है, और बाहर जो सुवर्ण भूमि के बाहर लोकालोक पर्वत है ये इतना ऊंचा है कि इसके कारण इसके बाहर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। तो ये जो है ये बाहर का लोकालोक पर्वत के कारण इसके भी दो भाग कहे जाते हैं। लोक इसके पर्वत के बाहर का जो है ये अंधेरा जो रहता है उसको आलोक आलोक वर्ष कहा जाता है। आलोक यानी जहां पर लोक नहीं रहते, और इसके अंदर का जो है या जहां पर लोक रहते हैं तो इसको लोक लोकावर्ष कहा जाता है, और बाहर का आलोक वर्ष कहा जाता है। तो ये सुवर्ण भूमि है, इसकी भी बहुत अद्भुत कहानी आती है कि यहाँ पर अगर कोई चीज गिर जाए तो वो यहाँ पर गायब हो जाती है, वो दिखेगी नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं जा पाता। आगे आएगा ये पढ़ेंगे हम। तो इस प्रकार जो है ये सात द्वीप और सात समुन्दर यहाँ तक थे, पुष्कर द्वीप तक, जहां पर हमने मानसोत्तर पर्वत देखा, जहां पर सूर्य घूम रहा है, जहां पर चार लोकपाल भी है, और ब्रह्मा जी का जहां पर कमल भी है, जहां पर ब्रह्मा जी आसित रहते हैं। और फिर उससे बाहर जो हमने देखा कि जो समुन्दर है ये ये ड्रिंकिंग वाटर ओशन, उसके बाहर सुवर्ण भूमि है, उसके बाहर लोकालोक पर्वत है, और इस लोकालोक पर्वत पर है जो है चार हाथी खड़े हैं। इस लोकालोक पर्वत के ऊपर चार हाथी क्यों? क्योंकि ये भूमंडल को बैलेंस कर रहे हैं। ऐसे ही भूमंडल के नीचे आठ हाथी है जो अनंत शेष जो अपने फनों पर भूमंडल को धारण किए हैं, उनके ऊपर आठ हाथी है, उसके ऊपर भूमंडल है। और लोकालोक पर्वत जो ये है भूमंडल के ऊपर ध्रुव तारे तक जो है उसकी हाइट है, तो उसके ऊपर भी चार हाथी है जो उसको बैलेंस किए है। तो इस प्रकार आगे देखेंगे हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये इस प्रकार ये दिखेगा कि ये मेरु पर्वत, इसके बाजू में ये सात द्वीप सात समुन्दर, ये जो है उसके बाद ये लोकालोक पर्वत जो ये दिख रहे हैं ये लोकालोक पर्वत है, ध्रुव तारे तक ये ऊंचाई है इसकी। और ये सुमेरु पर्वत, ये जो लोकालोक पर्वत है ये इस दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये लोकालोक पर्वत है। ये सूरज जो है ये लोकालोक पर्वत की हाइट जो है ये पोल स्टार जितनी है लगभग। तो इसके कारण जो है ये सूरज जो घूम रहा है मानसोत्तर पर्वत के ऊपर से, तो इसके सूरज की जो रोशनी है ये बाहर लोकालोक पर्वत से बाहर नहीं जा पाती। और इस मेरु पर्वत के नीचे जो है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि तीन प्रकार के स्वर्ग होते हैं, एक तो ऊपर का हम स्वर्ग देखते हैं वो, और फिर जो हमने भूमि पर जो स्वर्ग हमने जो बाद के जो सात वर्षों के हमने देखा था, सात वर्ष जो है इलावृत वर्ष, और ये इसको भी किस प्रकार भूमि के भूमंडल के ऊपर का स्वर्ग कहा जाता है। और जो नीचे का स्वर्ग जो है ये सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत 84,000 योजन जो है ये ऊपर है, और 16,000 योजन जो है ये भूमंडल के नीचे है। और ये सुमेरु पर्वत के नीचे ही जो सेवन लोअर प्लैनेट्स कहे जाते हैं, अतल वित्तल सुतल तलातल महातल और पाताल, ये जो सात है ये इसके नीचे आते हैं। और ये कैसे, ये ऐसे दिख रहे हैं ऐसे ही, ये जो है क्यूब यानी लंबी एक कोई ऐसी संकरी गली है, तो ऐसे ऐसे ही है ये जो है, ऐसे ही है कि बहुत अंदर नीचे तक जो जाना पड़ता है ऐसे। और इसकी यहाँ पर दिया है कि पहला जो है अतल वो 10,000 योजन इतना है, और दूसरा वितल वो भी 10,000 योजन है, और उसके बीच ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, इसके बीच जो है इसके बीच भी डिस्टेंस है, ये 500 योजन है। तो ऐसे ही ये सेम है। और नीचे जो है ये सात सेवन लोअर प्लैनेट्स होते हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, इसके इसके नीचे जो है ये एरो दिख रहा है, ये आगे हम इसी कैंटो के लास्ट पोर्शन में हम देखेंगे जो 28 प्रकार के नरक है। तो ये 28 प्रकार के नरक जो है ये यहाँ पर है, ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पर 28 प्रकार के नरक है। और इसके बाद जो है ये आठ हाथी इस पूरे भूमंडल को जो है
अपने मतलब बैलेंस करने के लिए ये आठ हाथी नीचे भूमंडल के नीचे जो है ये आठ हाथी है, यहाँ पर हम सामने से देख रहे हैं इसलिए पांच ही दिख रहे, पीछे की साइड पर तीन है। तो ऐसे ये आठ हाथी इस भूमंडल को धारण किए हैं और ये जो है ये शेषनाग के फन पर है और इसको हम देखेंगे। ये पूरा नाग के फन पर है ना? जी जी प्रभु जी। इसका ऑडियो आगे सुनाई देगा, मुझे बताइए अगर नहीं सुनाई देता तो। नहीं माता जी, कोई ऑडियो नहीं आ रहा है, आपकी ही आवाज आ रही है। जी जी माता जी, लेफ्ट में क्लिक करिए यूट्यूब साउंड। किया माता जी, नीचे जो है वो किया था मैंने, नीचे आता है वो। अभी देखिए आ रही है क्या आवाज? नहीं ओ एक मिनट, ये बोल रहे हैं ना आप, ये यहाँ पे साउंड पे क्लिक करिए। हो ही नहीं रहा है वो। हाँ वो डिसेबल्ड डिसेबल्ड। ये माता जी यूट्यूब पे है कि आपके फोन पे वीडियो? हाँ ये फोन पर है प्रो जी, ये मैंने पीपीटी बनाई है उसमें है, यूट्यूब पर भी है, हमने डाला था ना प्रभु जी, आपने डाला था ना यूट्यूब पर। कौन से वाला वीडियो मारता जी, थर्ड नंबर वाला? हाँ थर्ड वाला है। ओके ओके वो आप ले कर सकते हैं क्या? जी माता जी बिल्कुल। ये यूट्यूब पर भी डाला है हमने जी प्रभु जी। मैं स्क्रीन ऑफ करती हूँ। थर्ड वाला The night sky, the dark blanket above our heads adorned with shining stars extending as far as the eye can see. One of the most appealing and mystifying of all sights. The beauty and the majesty of the universe have inspired awe and reverence in the best brains throughout history. A fundamental principle of Vedic cosmology is the existence of a dual reality, material and non-material. Here we see the non-material sky filled with innumerable planets of permanent stature. Among these, the topmost planet, Goloka, is shaped. Coconut has its hard outer shell and inner liquid. So the universe has its outer coverings and an inner space half filled with ocean water. On that ocean, another Vishnu expansion reclined on a serpent. वो जो हेलिश हेलिश प्लैनेट का था ना वो नीचे की जो Fourth one, fourth में देखो. Orbit in the sky is well known to astronomers and sailors alike. Less known is the fact that the pole star rotates powerfully on its own axis. The ancient Vedic text called Matsya Purana explains. The planets and stars are all attached to the pole star by visible astral core. जी जी कल कल शेयर करते हैं, उसको चेक करते हैं कहाँ पर. कल कल कर सकते हैं, कल कर सकते हैं. जी प्रभु. Okay, मैं टाइम दूंगा, कल दूंगा. धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा. हरे कृष्णा ओम अज्ञान तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विषय शून्यवादी पाचाल दृष्टान जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 राम, राम हरे।